हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिषेक इन्फोकोश। मेरा नाम है अभिषेक चौधरी। आज हम बात करेंगे रिफर्बिश फोन के बारे में। जी हाँ, हम में से आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनका बजट नहीं है, या फिर वो रिफर्बिश फोन लेना ही चाहते हैं, उस पर थोड़ा इंटरेस्टेड हैं, उसको देख के उनको लग रहा है कि न्यू वन है, कहाँ 1,60,000 खर्चा करें। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि रिफर्बिश फोन किनको लेने चाहिए, किनको नहीं लेने चाहिए, रिफर्बिश फोन के सीन क्या है, लेना चाहिए भी कि नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिफर्बिश फोन सीन है क्या। फोन रिफर्बिश फोन क्या होते हैं कि पहले किसी जमाने में आपने देखा होगा कि लोग आपस में ही सेकेंड हैंड फोन लेते देते थे। यूजुअली ऑफलाइन दुकानों पे भी, बहुत सी दुकानों पे फोन देखने को मिल जाते थे। उसमें क्या इशू होता था, आपने किसी से फोन लिया, दिया या पैसे लेके लिया या फोन के बदले फोन लिया, तो उसमें कुछ माइक खराब हो गया, स्पीकर खराब हो गया, कैमरा खराब हो गया, और वो आपसे बदलेगा नहीं, आपके पैसे भी चले जाएंगे, या अननोन पर्सन था, आपको क्या पता कौन था, वो चोरी का फोन भी हो सकता है। तो पहले किसी जमाने पे इवन OLX और क्विकर के आने के बावजूद भी ये इशू सॉल्व नहीं हुआ, चोरी के फोन और नकली फोन, क्लोन्ड फोन इधर उधर घूमते रहे। फिर कुछ कंपनीज उठ उठ के आई, जैसे कैशिफाई आया, फ्लिपकार्ट का ही टू गुड उनकी वेबसाइट थी और उनकी संस्था थी, सब्सिडियरी थी, अलग से थी, बट वो यही काम करती थी, और सेल बडी है और भी कई हैं। सीन ये है कि रिफर्बिश फोन, सेकेंड हैंड फोन लिया जाता है हमसे आपसे, उसकी जो भी कंपोनेंट खराब हैं उसको बदले जाते हैं, फोन को चेक किया जाता है कि इसमें स्क्रैचेस कितने, गुड है कि फेयर है कि एक्सीलेंट है, उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से हमको आपको वेबसाइट पे लिस्ट करके दिखाया जाता है। कैशिफाई के ऑनलाइन स्टोर्स भी हैं आपके लोकल शहर में होंगे, आप वहाँ जाके भी ले सकते हो। वो आपको कहते हैं कि हम आपको बिल देते हैं, बॉक्स देते हैं, चार्जर देते हैं, गारंटी वारंटी देते हैं, थोड़ी बहुत जो भी 1 महीना 6 महीना, और आपका फ़ोन जेन्युइन है, चोरी का नहीं है, ख़राब नहीं है, और आप उसे रिफर्बिश फ़ोन को ऑर्डर कर लेते हो या ले लेते हो। इसके प्रोज और कॉन्स की हम लोग कुछ इस तरीके से मिली जुली बात करेंगे कि देखिए पूरा इस बात को हम समझ लेते हैं। मैं इस YouTube वीडियो को आपको किस कुछ कुछ मुझे सिर्फ चलाना नहीं है, मुझे बेचना नहीं है, ये हमारे आपके बीच का आपस का डिस्कशन है कि रिफर्बिश फोन होता क्या है। बहुत से लोगों को नहीं पता, पता भी है तो लें कि ना लें। अभी फेस्टिवल टाइम आ रहा है, देखिए मैं आपको बताऊं करना क्या है। रिफर्बिश फोन उनके लिए है, जैसे मैं कहूंगा पर्टिकुलर जो आईफोन लवर है या एप्पल प्रोडक्ट्स जो लेना चाहते हैं बट वो नया नहीं ले सकते, या EMI उनको बड़ा लंबा लगता है, बड़ा झोल लगता है, वो सोचते हैं कि हाफ प्राइस दे दिया। कुछ डीले आपकी रिफर्बिश की ठीक होती है, कुछ नहीं होती है। जैसे आपने हाफ प्राइस तो दिए, जैसे आपका आईफोन है 1 लाख रुपए का, आपको मिल रहा है, अभी मिल रहा है वो रिफर्बिश मिल रहा है, सेकेंड हैंड मिल रहा है आपको 40,000 रुपए का, आपने ले लिया, ठीक, आप बहुत खुश, बाकी लोगों को भी आपने दिखाया, वो भी खुश कि हाँ जेन्युइन सब। बट मैं आपको एक रियल बात बताऊं कि अगर उसकी डिस्प्ले चेंज हुई होगी तो वो दोबारा तो उस असली तो नहीं पड़ी, ओरिजिनल तो पड़ी, तो आपको वो मजा नहीं मिला। वो स्पीकर कुछ भी अगर उसका पार्ट, जैसे खास तौर पे डिस्प्ले अगर चेंज हुई है या कैमरा चेंज हुआ है, तो आपको वो ऑथेंटिसिटी, वो मजा नहीं आएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। अगर आपने रिफर्बिश कभी आपने आईफोन यूज किया नहीं, अब आपने iPhone 10 या iPhone 11 ले लिया रिफर्बिश, आपको 15 से 20 हजार रुपए में आज की डेट में मिल रहे हैं, 25 हजार रुपए में आपने ले लिए, आपको पता ही नहीं, आपने एप्पल प्रोडक्ट यूज ही नहीं किया, आपको पता ही नहीं कि वो उसकी ओरिजिनल डिस्प्ले होती कैसी है, ऐसी होती है कि कैसी होती है ना। बैटरी आपको बहुत 99% आपको बैटरी चेंज मिलेगी। तो आपको ये जो रिफर्बिश फोन फोन आप देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं या कहीं ऑफलाइन देखते हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि ये भी एक बहुत बड़ा स्कैम है, एक फ्रॉड है, एक तरीके का है। तो वर्क इन्वायरमेंट को सपोर्ट करने वाली चीज के भाई हम कोई चीज पूरा एक प्रोडक्ट, एक पूरा मोबाइल बना के आप तक पहुंचाएंगे, उसमें हमारे अर्थ की इकोसिस्टम को जितना नुकसान होगा उसमें ये बच जाएगा, क्योंकि वो रिसाइकिल हो गया, उसका ना वो फैक्ट्री गया, ना डिब्बा छपा, ना पन्नी छपी, ना डाई लगी, ना इंक लगी, ना उसको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए पेट्रोल डीजल लगा, तो बहुत सारा आपका कार्बन इमिशन बच गया, मतलब इन्वायरमेंट में हमने कार्बन फुटप्रिंट कम से कम छोड़ा, और वो प्रोडक्ट रिसाइकिल हो गया। मान लीजिए एक किसी मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं, अगर वो 100 के 100 लोग नया फोन लेंगे, तो उस नए फोन को बनने से लेके उनके हाथ तक आने तक कई अलग अलग प्रोसेस और अलग अलग चीजों से होके आया है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी लगी है, पेट्रोल लगा है, डीजल लगा है,
बहुत कुछ लगा, एनर्जी, नेचुरल एनर्जी रिसोर्सेज यूज हुए हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है और काफी सारी चीजों का इश्यू होता है। अब वही 100 में से 50 लोगों ने नया ले लिया और उन्हीं 50 ने अपना फोन बेचा, सेकेंड हैंड फोन, वही रिसाइकिल करके फ्रेश करके उन्हीं 50 लोग को दे दिया गया। तो इस तरीके से 50 ही लोगों ने खाली धरती को नुकसान पहुंचाया, 50 लोगों ने नहीं पहुंचाया, है ना। तो वहां तक तो ये आइडिया ठीक है, बट रियल में जब ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में ये बात आती है, जैसे मैं आपको बताया था कि बैटरी शॉर्ट हो जाएगी, तो आपको पता ही नहीं कि इस मॉडल के कितना बैटरी बैकअप होता था। हाँ, अगर आपको 1 लाख आपके पास नहीं है देने के लिए, और मैं तो आपको ये कहूंगा कि आप पहली चीज तो रिफर्बिश आप सोच ही क्यों रहे हो, आप इस माइंडसेट से सोचो कि जो मैं ले सकता हूँ उस पैसे में मैं बेस्ट लेता हूँ। तो आपको एंड्रॉयड फोन, अगर आपका 20,000 का बजट है, आप रिसर्च करो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, कैमरा अच्छा चाहिए, प्रोसेसर अच्छा चाहिए, क्या अच्छा चाहिए, और उस प्राइस सेगमेंट में सबसे बेस्ट फोन जाके परचेज कर लो। उसका फायदा ये होगा, पहले तो 1-2 साल तक आप एकदम निश्चिंत रहोगे कि ये खराब नहीं हो रहा, खराब होता है तो आपको वारंटी मिलेगी, प्लस वो नया का नया रहेगा, उसमें अपडेट्स आएंगे कोई अच्छा। आप जब रिफर्बिश मॉडल लोगे तो आपको बहुत बड़े चांसेस है कि आपको ऑब्सोल्यूट मॉडल मिल सकता है, मतलब रिटार्डेड और रिगार्डेड टेक्नोलॉजी, वो मॉडल खत्म हो गया, पुराना हो गया, और अब ये रिफर्बिश भी खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि 5G आ गया है, और मोस्टली रिफर्बिश मार्केट में जितने भी फोन घूम टहल रहे हैं 90% वो सब 4G हैं। तो अगर आप कोई फ्लैगशिप लेवल का सैमसंग का फोन लेना चाहते हो एस सीरीज में, तो आप मत लो, क्योंकि वो आपको 25-30 का पड़ेगा, 5G होगा नहीं, ठीक है। प्लस आईफोन लेना है तो आईफोन भी मत लो, मैं तो कहूंगा, क्योंकि उसकी डिस्प्ले, कैमरा, बैटरी कुछ ना कुछ चेंज हुआ रहता है, मत लो, ठीक। बॉडी बहुत अच्छी लग रही है, चमक धमक रही है, वो बॉडी भी चेंज हो सकती है। आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ चाइना में कैसे रोड पे, सड़क पे, दुकानों में सब बैठ के पूरा खानदान 24 घंटे फोन बनाता रहता है, वही रिफर्बिश प्रोडक्ट है। वो जो दिल्ली में आपके सरोजनी मार्केट में जो एप्पल के प्रोडक्ट और घड़ियां और ये सब घूम रहे हैं, वो सब चाइना से बन गया आ रहा है। आपको क्या लगता है इतने आईफोन खुद एप्पल ने नहीं बनाए थे जितने अभी तक आईफोन SE, अगर आप सर्च करो, और आप 2 साल पहले भी 100 मंगाना चाह रहे थे, आपको मिलेंगे, अभी भी 100 मिलेंगे, खत्म ही नहीं हो रहे इनके पास। तो आईफोन SE, इतने तो आईफोन एप्पल ने नहीं बनाए थे जितने ये लोग बेच रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं? ये सब नकली प्रोडक्ट है, बहुत हाई लेवल पे थोक के भाव पे इंटरनेशनल लेवल पे खरीदे बेचे जाते हैं। लाट होती है, हजार हजार, 10-10 हजार पीसेस की लाट होती है, कुछ सही निकलते हैं, कुछ नहीं निकलते हैं। चाइना में बनते हैं, वो दिल्ली आते हैं, हमारे आपके हाथ तक पहुंचते हैं। सेल बडी इवन एक मुंबई में इनकी स्टोर है, इनकी वेबसाइट है, बट इनका भी माल वहीं चाइना से आ रहा है। आप चाइना जाओ, डील कर लो, आपको भी भेजेंगे वो। लाखों आईफोन, लाखों टैबलेट आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, प्लस इसमें ब्लैक मार्केट भी सपोर्ट करता है। तो बहुत सारी चीज़ें अंडरवर्किंग काम कर रही, बट मेरे हिसाब से रिफर्बिश फोन लेना ही नहीं चाहिए। जो भी आपका बजट है, मैं तो इवन 7-8 हजार का भी है, तो आप उसमें नया फोन बेस्ट आप सेगमेंट का ढूंढ लो, उस सेगमेंट में, प्राइस सेगमेंट में, अगर हो सके तो हर कोई 1,000-2,000-5,000 ज्यादा का ले कर लेता है। जैसे कोई 10,000 का बजट था, दुकान पे गया लेने, वो 13,000 का फोन था तो उसने ले लिया, ऐसा नहीं है। तो ऐसे ही करो आप भी, थोड़ा सा 1,000-2,000-4,000 झेल लो, मगर वो सेकेंड हैंड फोन का बेवकूफी, वो रिफर्बिश फोन का टंटा मत पालो, वो एकदम वेस्ट है, यूजलेस है, आपका पैसा वेस्ट ही होगा और कुछ नहीं होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हो सके तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।